और फिर विजय कुमार दुनिया के लिए उसी दिन मर गया ताकि जोसेफ बनके शांति से जिंदगी जी सके, उसका खुशी को कभी नजर ना लगे। ये नादानियां बंद करो, पुलिस आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है क्या? अगली बार वो कहीं पे भी दिखे तो उसको कोने में ले जाकर जबक चू कर दो। भाई ये है वो। नमस्ते भाई, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वो बेटी का नाम लिया तो बाप हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा आ गया। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं प्लीज़ इनसे भी कह दें कि जो हुआ उसे भूल जाएं और मुझे माफ़ कर दें। सॉरी भाई, साला डर गया। नहीं नहीं, डरा नहीं है बे। अगली बार इसकी बच्ची को छुआ ना तो तेरे को बकरी की तरह काट डालेगा। ये जोसेफ किधर काम करता है? हिल टाउन में इसकी बेकरी है। नहीं, ये पाव वाला नहीं है, इसकी पूरी फाइल खोल डालो। ठीक है भाई। कल हमारी क्लास की स्टडी टूर है। वाओ, हाय। हाय। वो मैंने शकील भाई से बात कर ली है, तो अब कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, फिर भी अच्छा होगा अगर तुम थोड़ी सावधान हो। ओके। हे स्टॉप, मिस मेरा कितना ख्याल रखती है। हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम मिस का खूब ख्याल रखें, उन्हें सेफली उनके घर पर ड्रॉप करते हैं। अब आप मना मत करना मिस। बैठो। मिस, अगर जल्दी घर पहुंचना है तो आप वॉकिंग चले जाइए, ये कटारा तो बैलगाड़ी से भी स्लो है। लेट्स गो बेबी। मिस, आपको जल्दी घर तो नहीं पहुंचना है ना? इस वक्त मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बिना मंजिल के यूं ही बाइक पर चलते रहते हैं। मम्मा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इतना हंस क्यों रही हो तुम? आपकी तरह सीरियस नहीं रह सकती, हंसना हेल्थ के लिए अच्छा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखती हो? मैं तो बचपन से ही जीनियस हूँ। मम्मा, ये स्टडी टूर पे मुझे भी अलाउ करेंगे क्या? ये स्कूल का टूर है बेबी, दाढ़ी मूछ वाले स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। मैं आपको बेबी बोलती हूँ उसका ये मतलब नहीं कि आप बेबी बन गए हैं। बात समझ में आई? समझ गया। मम्मा अपना ख्याल रखना। नहीं रखूंगी। बस मैं खिड़की से बाहर मुंह नहीं निकालना। मैं तो निकालूंगी। हाथ अंदर ही रखना। ऐसे बाहर निकालूंगी। मम्मा अकेले कहीं भी नहीं जाओगी, ठीक है? मैं तो अभी जाऊंगी। अगर कोई अनजान आदमी तुम्हें कुछ भी दे तो साफ मना कर देना। मैं तो मांगूंगी। मम्मा तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। कुमार। मम्मा इस बदमाश से जरा संभल कर रहना। टेक केयर। ओके। मस्ती कम। डोंट वरी अंकल, मैं संभालूंगा। हाथ भी मत लगाना उसे। सुनो तुम पीछे जाके बैठो। तूने अगर मस्ती की ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। सॉरी अंकल। अंकल बोलते तेरी तू। बाय 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 बाय। हेलो, कौन? विजय कुमार। अरे तुम तो मर गए थे ना, लगता है तुम बहुत सालों से रोए नहीं हो। चिंता मत करो, समय आ गया है खून के आंसू बहाने का। हमारे कान तड़प रहे हैं। कोई बात नहीं, when you crying I will be calling you back।
डॉक्टर प्लीज इसको देखिए डॉक्टर। मैडम साहब किधर? पता नहीं। कुमार, कुमार आंखें खोलो बेटा, कुमार कुमार आंखें खोलो, कुमार। बेबी निवी ठीक है, उसे गॉड ने बचा लिया। मेरा बात सुन रहा है? निवी को कुछ नहीं हुआ। हमारी निवी तो ठीक है, लेकिन हमारी वजह से ये हेलो बिटिया, तकदीर बहुत बुलंद है। दूसरी बार डूबने से बच गई, पर तुम्हारी तकदीर खराब है क्योंकि हम तुम्हें मारने का ठान लिए हैं। अब क्या करोगे बचवा? पुलिस के पास जाओगे? FIR किस नाम से साइन करोगे? हाँ, विजय कुमार के। उसका नरक पास तो 5 साल पहले हो गया है जोसेफ। जोसेफ कार्डोज दिल पंछी की तरह फड़फड़ा रहा होगा, फिर से छुपने की कोशिश करोगे। अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने का समय आ गया है बाबुआ। हम आ रहा हूँ तुमसे मिलने। क्या कह रहा था वो? साला मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा था। दो मर्डर तेरे नाम पे FIR लिखना पड़ेगा। सर नहीं सर, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? समझत ना का तुला, अगर FIR बन गया तो 10 साल तेरे को कोर्ट के चक्कर मारने पड़ेंगे, और डॉक्टर और वकील का कुल मिला के खर्च पकड़ ले 30 लाख रुपया, और औरत के खानदान को 20 लाख रुपये तेरे को मुआवजा देना ही पड़ेगा। 50-60 लाख का खर्चा पकड़ के चल, और अगर विक्टिम मर गई तो 7 साल की सजा पक्की। बोलेगा तो FIR नहीं लिखेगा। मैं तू सांग तुला क्या करे? 15 लाख रुपए दूंगा तो चलेगा? अभी देरी मत कर, दे डाल। सर इतनी रात को 15 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? तो कभी देगा? कल तो पैर तक मैं दे दूंगा सर। जा उधर बाकड़े पे बैठ। ठीक है। क्या पिएगा? कॉफी वीपी पिएगा? जी सर। एक मारेगा? नहीं सर। क्या रे घबराता काई कोई तू? ये शिंदे जी एला चाह दे रे। ठीक है सर, मैं थोड़ी शक्कर कम लेता हूँ। अभी सुनो, पूछताछ हो गई है, FIR लिख दी है मैंने, अभी सीधे कोर्ट में जाओ। तला निका उसे जेल में बंद क्यों नहीं किया? अरे वो गाड़ी में था ही नहीं तो क्या करेगा? जाओ जज को बोलो जाके। अम्मा इंस्पेक्टर ने जरूर पैसे खाए, देखो वहाँ बैठा के चाय पिला रहा है। काय बोला? काय बोला सर तू? अब ये तो गलत है, जो गलत है वो गलत है ना साहब। ये चुप रहे, आंख बंद करके सड़कों पे चलते हो, फिर पैसा वसूली करने के लिए पुलिस को परेशान करते हो। लोग पैसे के लिए ऐसा नहीं किया साहब। चुप रहे। अरे शिंदे जनरेटर लाओ। हे भगवान, तुम इतने निर्दय कैसे हो गए? हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? हमारी रक्षा के लिए धरती पर आओ। इसमें डीजल भी नहीं है। जल्दी आ गणेश। सर ब्लैक टीला बता केस क्या है? ड्रिंक एंड ड्राइव केस है। FIR लिखी? नहीं सर। क्यों? कालीचरण ने तोड़ पानी कर लिया सर। कहाँ है वो कालीचरण? यही है।
उसे मेरे पास लेके आओ। सर क्या है रे? डीसीपी सर बुला रहे हैं। कुणाल नया है वो? नहीं पुराने वाले विजय कुमार सर। लॉकअप फिर लगा तू सर? इसको उम्र क्या जमाना हो गया? सच कह रहा हूँ वही है। लगता तू भी बेवड़ा मार के आए। रट गणेश ये चाय किसके लिए मांगा है? ये गण्या कोई तो है। कौन है रे? इधर देख। काली मैं आ गया। अरे ओ गणेश आया सर। सर ड्रिंक एंड ड्राइव वाले ड्राइवर को भेज। यस सर। वो क्या मगर कितने पैसों की डील हुई? सर कल कर दूंगा मैं। कल सुबह तक वो रकम उस औरत की फैमिली के पास पहुंच जानी चाहिए। साथ में किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाना होगा। अगर नहीं किया या यहाँ से भागने की कोशिश की तो मम्मी मर गया।